अस्सलाम वालेकुम, एनडीवी के साथ मैं हूँ वजीहा और मैं हूँ निम्रा अली एंड वी आर द बुकर्स। आज नाइटरी से गुजरते गुजरते हमारी नजर पड़ी बगदादी फलूदा पे, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे जाया जाए, इनका फलूदा ट्राई किया जाए। और हम आए हैं क्योंकि हम लोग बुकर्स हैं, तो हम कहीं से भी जाएं और वहाँ पर खाना और बुकर्स पर खाना ना खाएं और अपना शो ना रिकॉर्ड करें मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हमें चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम आए हैं बगदादी फलूदा, क्योंकि मैंने आज तक फलूदा खाया नहीं, मैंने भी नहीं खाया जिंदगी में कभी भी। तो हम आज ट्राई भी करेंगे और खाएंगे, कि हम दोनों मीठा नहीं खाते, लेकिन यहाँ पे हमने रश देखा तो हमने सोचा कि जाके खा लेना चाहिए। तो अब हम खाएंगे और आपको भी बताएंगे कैसा है, और आप भी ट्राई करने जरूर आइएगा। तो चले, यस चलो आओ चले, भूख जाए। पता नहीं क्या इसने स्लोगन बनाया हुआ, मेरी समझ नहीं आता, पर चलो। आ चुके हैं जो फलूदा बनाती हैं उन अंकल के पास, और यहाँ की साफ सफाई देख के मुझे तो बहुत ही पहले से ही ज्यादा भूख और लग गई है, क्योंकि इतनी साफ सफाई और इतना सब कुछ देखकर मेरी आंखों में पानी आ रहा है, मुंह में नहीं आंखों में पानी आ रहा है। तो अब हम सीधा उनके पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे उनका इंटरव्यू लेंगे कि वो किस तरह बनाते हैं और कितनी देर हो गई है। तो आइए चलते हैं और बातें करते हैं। यहाँ पे जो फलूदा बनाते हैं, मुझे बताएं, मैंने आज तक जिंदगी में कभी भी फालूदा नहीं खाया, क्या टेस्ट होता है इसे, कैसा होता है? टेस्ट खाएंगे तो पता चलेगा कि क्या होता है। थोड़ा सा बताएं भी ना, एक मैं माइंड में बनाऊं इमेज थोड़ा, क्योंकि हम जो है ना पहली बार फालूदा खा रहे हैं, और आप वो खुश नसीब इंसान है जिनकी शॉप से हम वो फालूदा खा रहे हैं। ऐसा ना होना कि हम कहें कि यार पहली और आखिरी दफा ही खा रहे हैं। नहीं, आप फलूदा ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, फुल मिल्की होता है इसका फ्लेवर, और ओरिजिनल फ्लेवर होता है विदाउट एसेंस के। आइसक्रीम का जो होता है ना वो एसेंस में होता है, लेकिन ये ओरिजिनल जो होता है ना, ट्रेडिशनल जो पाकिस्तान में बनता है फालूदा, ये वो फ्लेवर है। अच्छा मुझे बताएं, आपने इस शॉप का नाम बगदादी फालूदा हाउस क्यों रखा, बगदादी क्यों रखा? बगदादी इसलिए रखा कि सरकार गौस पाक, हम उनके मानने वाले हैं, और उनका शहर बगदाद फालूदा, बगदाद शहर सॉरी, तो उनकी निस्बत से हमने इनका नाम बगदादी फालूदा रखा। अच्छा मुझे बताएं कितना टाइम हो गया यहाँ पे आपकी शॉप को? इसको हो गया 18 साल हो गए। और यहाँ पे सबसे चीज कौन सी बिकती है, फालूदा चाहे क्या? सबसे ज्यादा सेल तो फलूदा ही होता है, लेकिन और आइटम्स भी है हमारे पास, रसमलाई है, खीर है, और उसके अलावा सबस चाय है जिसको कश्मीरी चाय कहा जाता है, गुलाब जामुन, गाजर हलवा, और भी आइटम्स हैं, लेकिन ज्यादा सेल है, सब मीठा ही ना, मीठा ही है, सब मीठे में है, और सेल ज्यादा सबसे ज्यादा फलूदा होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि रोजाना यहाँ पे कितने लोग आके यहाँ से फलूदा या और आइटम्स ट्राई करके जाते हैं? काफी ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन अभी तो सीजन आउट हुआ हुआ, सर्दी है, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो माशाल्लाह इस वक्त काफी रश होता है, हमें बात करने का टाइम भी नहीं मिलता, इतना रश होता है। अच्छा मुझे बताएं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन सी चीजें डलती हैं फलूदे में, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कौन सी है? चलें आए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बेसिकली आपको एक फलूदा बना के दिखाता हूँ। थोड़ा सा सबसे पहले इसको ये लच्छे होते हैं, ठीक है, ये कौन सवैया, सवैया सवैया जो होती है वो तो दूध में पकती है, बेसिकली इसको लच्छा कहा जाता है, इसका नाम होता है लच्छा, जैसे निम्रा कहते हैं लच्छो बांधरी, जी जी सेम वैसे ही कह लें आप। ये होते हैं लच्छे, ये लच्छे हम ऐड करते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये शुगर के साथ बनता है शुगर सिरप, शीरा इसको कहते हैं, ठीक है, ये इसको जी जी खुद बनाते हैं, खुद मेक करते हैं हम इसको, ये ऐड होता है, फिर उसके बाद ये रबड़ी बनती है दूध के साथ, ये तकरीबन कोई 18 घंटे पकती है, 18 से 20 घंटे फिर जाके ये बनती है दूध की। वैसे टेस्ट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ले ये सब फीकी होगी विदाउट शुगर आई, नहीं 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 इस वक्त वो अलग से ऐड करते हैं हम, आप भी आज बोल रहे हैं ये ले अच्छा उसके बाद ये आ जाती है। सिर्फ रबड़ी से पता चल गया कि फलूदा बहुत मजे का होगा, क्योंकि रबड़ी हद से ज्यादा क्रीमी है। अच्छा इसके बाद इसमें हम रबड़ी ऐड करेंगे, और इसमें कुल्फी जाएगी, कुल्फी देना जरा, कुल्फी बहुत मजे का, पता लग गया ये आइसक्रीम की, यार कुल्फी चेक करो यार, ये देखो कितनी प्यारी है, ठंडी भी है, आधा मेकअप उतर गया मेरा, कोई बात नहीं, ये हम निकालेंगे शेल से। तो ये सांची ऐसे ही होते हैं? जी जी ऐसे होते हैं, स्टोर ऐसे ही होती है ना, ये मेल्ट होगी फिर भाई जाएगा? नहीं नहीं वो कटिंग कर देंगे हम आपको, ये देखो ये आगे कुल्फी बाहर। अच्छा मुझे बताइए जो कुल्फी है ये आप लोग खुद बनाते हैं या ये बनी बनाई मिलती है? तकरीबन जितनी भी आइटम आपको नजर आ रही है हम खुद सुबह मेक करते हैं। इतनी जल्दी जम कैसे जाती है? ये एक घंटे में जम जाती है, इसका प्रोसेस अलग से होता है।
इसको नमक और बर्फ के साथ ना उसको आइस को शेक करते हैं तो फिर ये जम जाती है जल्दी। ये देखें, इसके साथ स्पून लें आप और ऊपर से हम डालते हैं बादाम, क्रश किए हुए बादाम। ये देखें, ये फलूदा तैयार है। इसके अलावा हमारे पास रबड़ी दूध होता है, वो टेस्ट करना पसंद करेंगी आप? फिलहाल ये अभी हम एक और खुद बनाएं। मैं आजो तो साथ में। कैसे बनाना? पहले लच्छे डालेंगे थोड़े से थोड़े, खत्म नहीं करने उनके सारे। लगता है आपको बहुत ज्यादा पसंद आ गया, आप ज्यादा पे जा रहे हैं। बस बस बस, फिर शीरा ऐड कर। कुल्फी देना यार, एक फुल भर के। ज्यादा मीठा नहीं? नहीं, ज्यादा मीठा नहीं होगा। चले आप अपने लिए जितना आपको। ये तो फेवरेट है ना? यस। फिर इसको ऐड कर लें आप ये और कुल्फी। आप तो हमसे भी ज्यादा अच्छा बना रही हो। निम्रा बड़ी नफासत से काम करती है। निम्रा तुम एक बहुत अच्छी बहू बनो। यस आई एम। I will. Yes, I am, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी की बहू हूँ, आगे जाके और हो जाऊंगी। ये बात आज इसने कैमरा में बताई है। वाकई निम्रा? यस यस। कब से मैं कह रही हूँ मुझे दे दो छुरी, दूसरी नहीं दे रहे। बेटा मेरे साइड थोड़ा साइड पे, ये आपसे नहीं होगा। अच्छा ये नहीं होगा? माशाल्लाह, क्लैपिंग। इजी ले लिया इन्होंने हमारी बच्ची को। अब उससे स्लाइस होगा। ये मेरा हाथ पे ना लग जाए। चलो कोई बात नहीं, ग्लव्स वाले हाथ से डालते हैं। आप क्यों हमारी मार्केट नीचे करा रही है? नहीं, आपकी जाती जहाँ निम्रा खड़ी हो जाए ना, वहाँ मार्केट ऊपर जाती है, नीचे नहीं जाती। नहीं, ये तो इंटरव्यू के बाद ही पता चलेगा इंशाल्लाह। कोई नहीं, कितने आपके ये सारे, जितने मर्जी आप गार्निश करें। प्यारा बनाया निम्रा। और ये आप खुद ही देखकर बताएंगे। लेकिन इसकी एक शर्त है, इसको खाना आपने स्लो स्लो है, ये बहुत थिक होता है और बड़ा हार्ड होता है। ये ना आपका स्टमक में प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके खाना इसको आपने। जी जी चलाइए। अब बगैर कुल्फी को पिघलाते हुए हम खाएंगे फालूदा, क्योंकि मैंने बनाया है, तो मैं और मेरी पार्टनर वजीहा इसमें से खाएंगे, और हमारे कैमरामैन और हमारे एक और पार्टनर है वो बड़े, उनके पेट भी बड़े हैं, तो इसलिए वो इसमें से खाएंगे, हम इसमें से खाएंगे। आइए यहाँ पे हम बैठ के रोड पे बैठ के खाएंगे फालूदा, क्योंकि मुझे और निम्रा को दोनों को ऐसे काम करने का बड़ा शौक है कि रोड पे कहीं भी बैठ जाए सड़क पे और वहाँ बैठ के खाएं। तो क्योंकि मैंने अपने इन जाती हाथों से फालूदा बनाया और वही फालूदा अब हमारे पास आएगा और हम उसको खाएंगे, क्योंकि मैंने बनाया तो वो अच्छा ही होगा। बनाया तो वो मैं ही खाऊंगी, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो हम ले आओ, खाएंगे। आ जाए जल्दी, आ जाए, मेरे से वेट नहीं हो रहा। एडिशनल चीजें भी मिली हैं। क्या किया है इन्होंने साथ दिया कि अगर किसी को उसमें लच्छे कम लगे तो लच्छे डाल लें, शीरा कम है तो शीरा डाल लें, ये कम है तो ये डाल लें। उन्होंने यानी अपना अच्छा किया हुआ, लेकिन मैंने हमने ये वाला बनाया था। यार ये कलर बहुत अच्छा है, ये देखें। बात सुनिए, इसको मिक्स भी करना है, मिक्स करके खाते हैं। अच्छा ऐसे काम निम्रा करेगी, इसको आते हैं जरा घर वाले काम ना। मुझे घर वाले काम आते नहीं है, लेकिन आई एम वेरी वेरी गुड बहू। मुझे ना मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर ये बहुत 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 मजे का, सारा टेस्ट ही कुल्फी का है ना। तो मैं सबसे अच्छी चीज क्या लगी निम्रा इसमें? नहीं बोलेगी आप खाते हुए, बिल्कुल भी नहीं बोलेगी। मैं भी जरा माइक बंद करके खा लूं। हमने फालूदा खा लिया है, अब हम यहाँ पे इनके पास दोबारा आए हैं इनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि हमने जिंदगी में पहली दफा फालूदा खाया और हमें इतना ज्यादा मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा फालूदा था। अच्छा मुझे बताएं कि इसकी प्राइस क्या है?
चिप्स की प्राइस 120 है जो आपने खाया है, इससे लार्ज बाउल भी है जो पैकेज दो बंदे खाते हैं वो 190 रुपीस का है। ये जो बाउल हमने लिया था ये स्मॉल था? जी जी स्मॉल बाउल था। स्मॉल भी नहीं खाया गया इतना ये टेस्टी और हैवी था। हेल्थ की मुताबिक आपसे नहीं ना खाया गया, यहाँ लोग और भी आते हैं जो बड़े बड़े दो दो बाउल खा लेते हैं। जुगत लगा दी उन्होंने। अच्छा मुझे बताइए इसमें जो आपने कुल्फी डाली हुई थी, मेरे घर में सारा टेस्ट उस कुल्फी का था, वो अलहदा से भी मिल सकती है किसी ने खानी हो? जी जी वो 60 रुपीस की अलहदा से मिलती है, उसके साथ थोड़े लच्छे मिलते हैं। वही कुल्फी है ना जो खोए वाली कुल्फी होती है, तीली डली होती है। हाँ लेकिन इसमें तिलका नहीं होता, तीली नहीं डली होती, इसको स्लाइस करके हम देते हैं ताकि इजीली लोग खा सके। लेकिन वो कुल्फी समेत खा लेते हैं तोड़ के। इसका ये है कि वो ठंडक उसकी कम हो जाएगी और उसका टेस्ट में थोड़ा कमी आ जाएगी। ये ठंडी ठंडी आइटम होती है, खाने का मजा ही हार्ड फॉर्म में आता है। अच्छा बस मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये कि रेसिपी किसकी थी यहाँ पे, किसकी किसने इजाद की? मेरे परदादा की रेसिपी थी और ये बेसिकली ये पूरी मार्केट में हमारे दो तीन और फलूदे वाले हैं, हम सब रिश्तेदार ही बैठे हुए हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करके बिजनेस चलाते हैं। अच्छा और सारों को फालूदा बनाने में महारत हासिल है? जी जी सबको। सीखा है किसी से? मेरे परदादा से जो भी दादा पहले बनाते थे वो फिर आगे ट्रेंडिंग चलती गई, उसमें डिफरेंट लाते गए हम, कुछ खीर वगैरह ऐसी आइटम ऐड किए हमने, इसमें कश्मीरी सबस चाय और गुलाब जामुन गाजर हलवा भी हमने आहिस्ता आहिस्ता साल गुजरते गए और ऐड करते गए। फैमिली बिजनेस गाइस, फैमिली बिजनेस। अगर आप लोग भी फालूदा खाना चाहते हैं तो अनारकली में इनकी शॉप है बगदादी फालूदा के नाम से, यहाँ पे इतना ज्यादा ओवररेटेड भी नहीं है और फालूदे के अलावा इनके पास हलवा भी है, कश्मीरी चाय भी है और भी बहुत सी चीजें हैं जो भी खाना जामुन, गुलाब जामुन। हाँ गुलाब जामुन भी है, तो आप जो खाना चाहें आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगले शो में हम इसी तरह आपको किसी और जगह पे किसी और सड़क पे मिलेंगे रोटियां तोड़ते हुए। हाँ क्योंकि और भी काम तो है नहीं हमें, तब तक के लिए हमें इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और आप भी बन जाएं। Bye-bye!